खैरियत से, और काफ़ी अरसे से मैं फ़ास्ट फूड अवॉइड कर रहा था, लेकिन ये है कि ये घड़ी में दिखाना चाह रहा था आपको, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा हाथ इस तरह कर दूँ। तो काफ़ी दिन से फ़ास्ट फूड अवॉइड कर रहा था, फ्रेंच फ्राइज नहीं खा रहा था, तो आज मैं काफ़ी तकरीबन महीने के बाद यहाँ आया हूँ 7 नंबर में अलफजर में। और इत्तेफाक की बात है, इस वक्त पूरा उर्दू खाली है, मैं ही वाहिद शख्सियत हूँ इस वक्त यहाँ पर जो मौजूद है। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद जब आप कोई चीज़ एक एक तपस्या या रियाजत के बाद आप काफ़ी अरसे बाद कोई चीज़ खाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो रेगुलर बिरयानी से मैं अवॉइड कर रहा था, अब एक आध महीने बाद जब मैं बिरयानी खाने का सोचा है मैंने आज, तो मुझे आज अपने ऊपर थोड़ा अच्छा फील हो रहा है कि मैंने एक काफ़ी दिन तक परहेज़ किया बिरयानी से। तो यही है कि फ़ास्ट फूड को आहिस्ता आहिस्ता इंसान कट कर सकता है, लेकिन ख़त्म तो नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये कि हमें जो है वो यही करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जब हमें मौका मिले हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, फास्ट फूड भी खाना चाहिए, लेकिन एक गैप के साथ जब हम उसको खाते हैं तो हमें एक अच्छी एनर्जी भी फील होती है, और हमें अच्छा लगता है कि हमने जो है वो कुछ कुर्बानी दी, हमने कुछ जो है वो लज्जत जो एक खाने की थी उसको हमने थोड़ा अपने आप पे काबू पाने की कोशिश की। यही चीज़ हम जब मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह तो हमारे हेल्थ को फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये एक बड़ी ज़रूरत है, और इस बात में देखें आप पूरा एरिया खाली हुआ हुआ है, लाइट भी चली गई, लेकिन जनरेटर का शुक्र इंतज़ाम है, तो मैं ज़रा आफियत से बैठा हूँ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि किस तरह के नॉलेजेबल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं, और ट्रैवल भी करना चाहता हूं मैं मुख्तलिफ जगहों पे, इसके लिए इंशाल्लाह टाइम निकलेगा तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। दुआ की दरख्वास्त है, सलामत रहें, खुश रहें, अपना और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें।